नगर निगम भिलाई चरोदा में सावन के पांचवे सोमवार को विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत चरोदा बस्ती के प्राचीन कुआं से कांवड़ जल लेकर हुई। मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल व महापौर निर्मल कोसरे के साथ हजारों कांवड़िए बोलबम का जयकारा लगाते हुए इस यात्रा में सहभागिता दी। चरोदा बस्ती के प्राचीन कुआं से देवरोदा तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और महापौर निर्मल कोसरे के साथ भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के पूरे 40 वार्डों के शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे पूरे रास्ते भर गूंजते रहे। चैतन्य बघेल और महापौर निर्मल कोसरे ने हजारों महिलाओं व पुरुष कांवड़ियों के साथ धोती व कुर्ता का पारंपरिक परिधान पहने कांवड़ उठाकर देवरोदा का सफर पैदल तय किया। वह सिरसा चौक पर मुस्लिम समाज ने स्वागत के साथ कांवड़ियों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था कर रखी थी। सिरसा चौक से अंडर ब्रिज होते हुए जी केविन पहुंचने पर कांवड़ियों का स्वागत हुआ। यहां से देवरोदा पहुंचकर प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करने के बाद भोग वितरण किया गया। सावन के पांचवे सोमवार के इस पवित्र महीने में भोले बाबा की आस्था है, जिसे जन सैलाब यहाँ पर उमड़ के आया हुआ है। और चरोदा के प्राचीन कुआं जो 151 साल पुरानी है, वहाँ के कुआं से हम लोग जल लेके प्राचीन नगरी देवलोदा की इस पावन धरती में पहुँचे हैं। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी उनके भक्त हैं, सबके घर में भोले बाबा की कृपा बनी रहे, सबके घर उनकी खुशहाली बने रहे। और जिन श्रद्धा के साथ देवलोदा की इस प्राचीन नगरी में आए हैं, भोले बाबा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि सारे लोगों की मनोकामना वो पूरी करें, क्षेत्र की जनता खुशहाल हो, उनके घर में सुख शांति एवं समृद्धि हो, यही भोले बाबा जी से मैं प्रार्थना करता हूं। चल हो गया, चल। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और पूरा देश भोले बाबा की भक्तिमय में है, उनकी पूजा आराधना में लगा हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर मुस्लिम समाज की ओर से कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देश में अमन शांति बने रहे और इसी तरीके से हम लोग सद्भावना भाईचारा बनाए रखें और भोले बाबा की आराधना करते रहें और भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। यात्रा जो भगवान परशुराम के द्वारा शुरू किया गया था गढ़ मुक्तेश्वर से सारा महादेव तक, जो प्रथम कांवड़ यात्रा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सनातन में कांवड़ यात्रा भव्य रूप और जन जन तक पहुँच चुका है। हम उसके स्वागत के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि देश तरक्की के राह पर चले, अमन चैन की राह पर चले और भारत देश सर्वशक्तिमान राष्ट्र बने। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांवरियों का जत्था शामिल होकर देवलोदा के प्राचीन शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरी की रिपोर्ट।